तीन महीने से पांच साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है, उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल वो होगा और नॉन बेलेबल होगा। यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और एक साल में फैसला आएगा। और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है, 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2,00,000 रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजुरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 months to 7 years। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1,00,000 से 5,00,000 तक है, तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनके क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। जो भी कोई हमले के लिए जिम्मेवार होंगे उनसे जितना नुकसान हुआ है उसके मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा ये उनसे भरपाई कॉम्पेंसेशन के रूप में लिया जाएगा। फ्रेंड्स, देयर वाज अनदर डिसीजन टू इंक्रीज द सब्सिडी ऑन फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर्स फॉर ईयर 2021। Now this year government will incur expenditure in form of subsidy is 22,186 crores. As you know, there were post facto sanction of 15,000 crore package, a special package for fighting COVID, and promulgation of Indian Medical Council, Central Council and Homeopathic Central Council ordinances. So these are the issues today.